ऊपर अब उनका जो एक जजीरा है, उस जजीरे के एक छोटा सा जजीरा है उनके बिल्कुल साइड पे, जिसको क्यों मोए कहते हैं या किनमिन भी कहते हैं, वो जजीरा। अब वर्ल्ड ने चाइना की औकात देख ली, वर्ल्ड को इसमें चाइना की औकात समझ आएगी। जो हमें वीक पॉइंट चाइना के पता है, तो जाहिर सी बात है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हमसे चार चीजें कम ज्यादा ही पता होगी, कम तो होगी ही नहीं, उन्हें भी पता है। ये बस मतलब ये ना वो क्या कहते हैं ना, भोगते हैं बस, इनकी औकात कुछ करना। एक बार बताइए, अगर हमारी हिम्मत थी, औकात थी, हमने पाकिस्तान में घुस के मारा ना उनको, सर्जिकल स्ट्राइक की ना हमने, बालाकोट किया ना हमने। तो दोस्तों, आपने ये छोटा सा क्लिप देखा चाइना और ताइवान के बीच जो विवाद है उसको लेकर। मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बताऊंगा आपको, पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं। वीडियो में बात हो रही है किस तरीके से चीन मिसाइल पे मिसाइल बरसा रहा है ताइवान के ऊपर से, कहीं वो जापान के आइलैंड में गिर रही है तो कहीं ताइवान के आसपास गिर रही है। आपको पता होगा ताइवान का, अगर आप मैप देखें, ताइवान की कोई बहुत बड़ी मतलब लैंड बॉर्डर नहीं है, लेकिन वो बॉर्डर के करीब गिरा रहे हैं इस तरीके की मिसाइल। तो चीन एक अलग तरीके से लड़ाई लड़ता है, चीन डायरेक्ट हमला नहीं करता है, डराता है, जैसे इंडिया को डराने की कोशिश की। हालांकि इंडिया और ताइवान का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इंडिया और आप समझ सकते हो यार, चीन के सामने भारतीय फौज किस तरीके से डटी रही, चीन की दम होती तो ले लेता लद्दाख, जिस तरीके से वो हर बार डायलॉग मारता है, अपना नया नक्शा जारी करता है, लेकिन दम तो नहीं होती ना। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक। पर अब उनका जो एक जजीरा है, उस जजीरे के एक छोटा सा जजीरा है उनके बिल्कुल साइड पे, जिसको क्यों मोए कहते हैं या किनमिन भी कहते हैं, वो जजीरा जो है, उस जजीरे के ऊपर परवाजें हो रही हैं जी कि बिल्कुल, दुनिया में कौन से मुल्क हैं जो ताइवान को मानते हैं। अब कोई मदद करने जाएगा ताइवान की तो कैसे, कहीं किसी मुल्क, कौन कौन से मुल्कों में है जनाब, ये अगर हम दिखा सकें तो सेंट्स किट एंड नेविस, सेंट ल्यूसिया, ये मुल्क हैं जो कि ताइवान को मानते हैं। उसके बाद बेलिजी, उसके बाद हॉन्डुरस, फिर हेटी, फिर पैरागोए, फिर मार्शल आइलैंड्स, फिर सही पलाओ, फिर वेटिकन सिटी, ये मुल्क हैं जो ताइवान को मानते हैं, बाकी मुल्क तो मानते ही नहीं है। सर तो सर बहुत शुक्रिया ये डॉक्टर साहब, पूरी प्रोग्राम बहुत दुनिया में, खत्म हो ये रहा है। इसको सिर्फ इस मैप को जरा थोड़ा सा ऊपर करके, पूरी दुनिया में ये मुल्क जो हैं ये ताइवान को मानते हैं, बाकी मुल्क मान। अब वर्ल्ड ने चाइना की औकात देख ली, वर्ल्ड को इसमें चाइना की औकात समझ आएगी। जो हमें वीक पॉइंट चाइना के पता है, तो जाहिर सी बात है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हमसे चार चीजें कम ज्यादा ही पता होगी, कम तो होगी ही नहीं, उन्हें भी पता है। ये बस मतलब ये ना वो क्या कहते हैं ना, भोगते हैं बस, इनकी औकात कुछ करने की है नहीं। तो पूरे चैलेंज वैलेंज इन्होंने सब किए, जहाज उतारे, अपने फाइटर जेट भेजे, उतारा बाकायदा रही। और अंबर जी, उनको वहां की जो प्रेसिडेंट है मिस वैन, वो वहां का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देती है। पीएलए के रेजिंग डे के दिन वहां जाती है, ताइवान उतरती है, पूरी पीएलए ये सब एयरफोर्स वगैरह देखते रह गए, फाइटर जेट्स के साथ ही एक रात रही। उनकी प्रेसिडेंट सबसे बड़ा उन्हें सिविलियन अवार्ड देती है, किसको, अमेरिकन नंबर थ्री इन कमांड को। इतना बड़ा जो पोस्ट या अधिकारी करीब 25 से 27 साल के बाद ताइवान जाता है। अब चाइना का जी जिनपिंग, चाइना की पीएलए, चाइना की सीसीपी को आज समझ नहीं आ रहा क्या करे। अब देखिए मजे की बात क्या है, जब वो निकल जाती है उसके अगले दिन ये कहते जी अब हम वो, कि इंडिया के लिए इश्यूज भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी हैं। तो आप क्या समझती हैं कल को, कल कला को यहाँ पे लिमिटेड स्केल जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स हैं उनकी, आई थिंक इंडिया से ज्यादा चाइना को खुद चिंता है। ये भी लोग बात कर रहे हैं कि चाइना विल ऑल्सो बी वरिड दैट दे वुड नॉट वॉन्ट टू डू समथिंग और क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट, ऑल्दो देर आर डिफरेंट डायनामिक। क्या आप जनरली समझती हैं, एंड पर्टिकुलरली कीपिंग दिस नैन्सी पेलोसी विजिट को भी जेन में रखते हुए, कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस फ्यूचर में हो सकते हैं इसके? टू बी ऑनेस्ट, कॉन्सिक्वेंसेस के मामले में तो अगेन इट इज वेरी वेरी मच डिवाइडेड ऑन द लाइन्स कि कौन इसको कितना एस्केलेट होता हुआ देख रहा है इस सिचुएशन को। लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट डेफिनेटली लोग बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियली ट्रेड वाइज कॉन्फ्लिक्ट के कितने इम्पैक्ट्स हो सकते हैं वो। एक बार बताइए, अगर हमारी हिम्मत थी, औकात थी, हमने पाकिस्तान में घुस के मारा ना उनको, सर्जिकल स्ट्राइक की ना हमने, बालाकोट किया ना हमने, पुतिन की औकात थी, उसने जाके एक अटैक किया ना, पूरी नेटो एक तरफ, पूरी अमेरिका एक तरफ, पूरी दुनिया एक तरफ, पुतिन ने अटैक किया, क्या कर पाया पुतिन का? अगर आपकी औकात थी, अगर आपकी हसलियत थी, अगर आप में हसियत है तो रोक देते। तो अगर आप कहते हैं हम प्लेन गिरा देंगे, गिरा देते प्लेन। सच कह रहा हूं अंबर जी, अगर आप टेक्निकली ना देखें इसको,
ना वो ताइवान से लड़ सकते हैं और ना वो ताइवान को कभी मिलिट्रीली चाइना नहीं जीत सकता। आप चाहे तो इस पर गलत करेंगे, क्यों अमेरिका को हरा नहीं सकते, ताइवान को आप जीत नहीं सकते, और जो आपकी इकोनॉमी है, अगर आपने ये लड़ाई ले ली होती तो आपकी इकोनॉमी जो बचा कुछ है वो भी तबाह और बर्बाद हो जाती। आज उनकी असली चेहरा निकल दूंगा। ये चाइना आपको सुपर पावर कहता है ना, सुपर पावर है, ये है वो है। दुनिया में केवल दो कंट्रियां हैं अमर जी जो जिन्होंने चाइना के लिए बोला, एक तो पाकिस्तान जिसके पास ऑप्शन ही नहीं है, वो तो जहां खड़ा कर देंगे वहां खड़ा हो जाएगा, रशिया ने बोला। 200 से ज्यादा कंट्रियां हैं इस दुनिया में, केवल दो कंट्रियां चाइना को सपोर्ट करती है। ये है चाइनीज पावर, ये है चाइनीज क्लाउड, ये है सुपर पावर चाइना, ये इनका वर्चस्व जियोपॉलिटिक्स में। आउट ऑफ 200 कंट्रीज सपोर्ट। आप क्या समझती हैं, पीपल इन इंडिया दे आर रेडी, दे लुक टुवर्ड्स चाइना कि हमारा इनके साथ कोई लिमिटेड स्केल कॉन्फ्लिक्ट होगा? एक अंडरस्टैंडिंग होती है विद इन पीपल जनरल, जब आप लोगों से मिलते हैं तो यू फाइंड के भाई ये तो वी आर गेटिंग टुवर्ड्स एस्केलेशन, तो क्या ये एक चीज है इंडिया के अंदर कि भाई चाइना के साथ हमारा कुछ ना कुछ मसला होगा मुस्तकबिल? कंसर्न जरूर है और वो ज्यादातर बॉर्डर रीजन्स को लेकर के हैं और वो टेरिटरीज को लेकर के हैं, क्योंकि जिस तरह से उसका रिस्पॉन्स इन जनरल कुछ सालों पहले तक टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को लेकर के होता था, वो अभी थोड़ा सा डिफरेंट भी है। और गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट करती है, मीडिया कैसे रिएक्ट करती है, उन सब चीज़ों पे भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। चाइना को लेकर के बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज़ हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से बात हो रही थी, चीन भोगता है ये वो फलाना ठिकाना। आपको एक लेटेस्ट न्यूज़ बता दूं कि अमेरिका यूएस के साथ चीन ने सारे अपने जो मतलब एग्रीमेंट साइन होते हैं ना, जो जैसे कि ग्लेशियर को लेकर एनवायरमेंटल ये वो फलाना ठिकाना, सब कुछ कैंसिल कर दिए, सब कुछ कैंसिल कर दिए। और जो अब उसको लग रहा है कि यूएस खुलकर चीन के खिलाफ है, इसलिए ऐसी चीज़ें वो कर रहे हैं। ताइवान और चीन का मुद्दा क्या है? ताइवान और चीन का मुद्दा ये है कि ब्रिटिश जब आए थे यहाँ पर, आए थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए थे, तो उन्होंने एक्सपैंड किया था, म्यांमार आगे तक गए, बहुत आगे तक गए। ब्रिटिश के अलावा बहुत सारी यूरोपियन कंट्री थी, आपको पता है भारत में ब्रिटिश के अलावा 3 देश और आए थे, आप देख सकते हैं जाकर, तो वो भी थे। तो जो ताइवान था वो आ गया था किसके कंट्रोल में? ब्रिटिश के कंट्रोल में। और एग्रीमेंट साइन हो गया था चीन के साथ कि 99 ईयर्स की तक ये रहेगा ब्रिटिश के कंट्रोल में। हालांकि ब्रिटिश चले गए, उसके बाद चीन ने ताइवान पर कब्जा नहीं किया, लेकिन अनऑफिशियल तौर पर वो चीन इसको अपना हिस्सा मानता था, ताइवान अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री बोलता था। तो आप समझ सकते हो यार, ऐसा सीन है तो भारत तो फिर अपना मैप निकालने जाए तो फिर भारत तो कहेगा कि भाई हमारा इस टाइम पे तो ये भी था, ये भी था, वो भी था। तो ये चीज़ें तो अब क्या कहते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा इस बारे में। आप खुद बताइए, खुद बताइए आप। ब्रिटिश का एग्रीमेंट इंडिया पाकिस्तान को डिवाइड करना था तो कहते हम ये एग्रीमेंट ही नहीं मानते, मानते आने दो पाकिस्तान को हमारे अंदर, हम ऐसा तो बोल नहीं सकते। तो आप बताइए आपको क्या कहना है इस टॉपिक पर। हालांकि ताइवान का इशू बिल्कुल अलग है, 99 ईयर्स का वो डिवाइड पार्टीशन नहीं हुआ था, वो गया था ब्रिटिश के पास, तो उसको उसके बारे में आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। रही बात इशू को लेकर, तो मुझे लगता है कि यार ताइवान तो बिल्कुल नहीं चाहता ताइवान चीन के साथ जुड़े, और अगर ये युद्ध वगैरह होता है तो बहुत बड़ा नुकसान होगा पूरी दुनिया का, स्पेशली इंडिया पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। सेमीकंडक्टर्स, मोबाइल्स, ये सब चीज़ें ताइवान बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, बहुत सारी चीज़ें इंडिया लेता है, बहुत महंगी हो जाएंगी ये सब चीज़ें। तो भारत वैसे ही यूरोप में जो युद्ध छिड़ा है आपको पता है यूक्रेन और रूस के बीच, उसकी वजह से हम कितना परेशान है, क्या क्या महंगाई बढ़ी है सारी दुनिया।